मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक रोडवेज बस में खनन से भरे एक डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बस में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर कब्जे में ले लिया। हादसे में आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक मेरठ से टनकपुर जा रही रोडवेज बस को मझौला थाना क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया जबकि डंपर चालक मौके से फरार हो गया। उधर हादसे में बस चालक समेत आधा दर्जन सवारी जख्मी बताई जा रही है। रोडवेज के चालक विजय ने बताया कि वो बस मेरठ से टनकपुर लेकर जा रहा था। मुरादाबाद में सड़क पार कर रहे डंपर ने टक्कर मार दी। बस में 30 से 40 सवारियां मौजूद थी। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई है।